ਬੋਲ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ एक हाथ के प्रमाण का शरीर
जिसको जातनाशील कहा जाता है, इसको प्राप्त करता है और फिर इसी जातना रूपी शरीर को एक वर्ष तक दूतों के साथ उस धर्मराज की नगरी तक पहुंचने में लग जाते हैं। अपने बंधु बांधवों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध, द्विमासिक श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध को वह जीव जो है जमदूतों के साथ भक्षण करता है और इस तरह एक वर्ष तक जो है धर्मराज की नगरी में पहुंचता है। जब दशाह कर्म होता है तो उसके उपरांत 11वें दिन या 13वें दिन विधिवत क्रियाकर्म की विधि को संपन्न किया जाता है, जिससे जय जो जीव है वो अपने पितरों की श्रेणी में सम्मिलित होता है। कहते हैं कि जब तक दशा कर्म के भीतर भीतर जिसका दशा कर्म नहीं होता है उसका प्रेतत्व आजीवन भी समाप्त नहीं होता, और जिसके जे क्रियाकर्म विधि विधान से समझा जिसी ढंग से हुआ और आज किसी नगर की महारानियां बनने वाली है, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। कई बार हम अक्सर जो सोचते हैं वो वाक्य होता नहीं है और जो होना है उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। हिम्मत बख्शे कि ये तगड़े होकर लड़ाई लड़न ते साडे मंगलदास जी जिहड़े कि बड़े भले मां शरीफ बंदे ने हमेशा ही परमात्मा उन्होंने इतनी चढ़ती कला बख्शे। ओम शांति शांति शांति। अज का दिन जिहड़ा अज की घड़ी पटवार परिवार वास्ते बहुत ही दुखदायक समा है, क्योंकि मेरे तो पहले एमसी साहब ने सारा कुछ दसिया, लेकिन मन च यह सी कि असी भी हुशियारपुर तो काफ़ी स्टाफ आया हुआ फूड सप्लाई डिपार्टमेंट तो, क्योंकि असी पटवार साहब नाल मंगलदास जी नाल कट्ठिया ने नौकरी की है, वो सारा स्टाफ कमियाद रिटायर भी हो चुका, वो भी सारा आया हुआ, भाटिया साहब आया हुआ, रविंदर शर्मा जी आया हुआ, गरदारी नाथ जी आया हुआ, तो इस तरह सो आज की जी दुख की घड़ी है ये बहुत गहरी है। असं इस दुख की घड़ी इन्हों शामिल हुए हैं, इन्हों के दुख को साझा करने शामिल हुए हैं, लेकिन इस दुख का सामना सारी जिंदगी इन्हों करना पैना और ये बहुत ही दुखदायक गल है। यह साड़ी श्रद्धांजलि है इस मैडम सुषमा जी को कि परमात्मा इन्हों अपने चरणों में निवास देवे, आत्मा शांति देवे, परिवार को यह भाणा मनन का बल बख्शे।
हमेशा ही इस बात का दुख अधिक होता है कि जो अपनी अधूरी आयु को प्राप्त करके ही इस संसार को छोड़कर चला जाता है, अपने जीवन के कई कार्यों को अधूरा छोड़कर इस संसार से चला जाता है, उसके जाने में ये दुख की क्षुधा और अधिक बढ़ जाती है कि ये जीवन झूठा है और मृत्यु जो है महामंत्र का मनन जप करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। तो श्रम का उल्लेख है, जिसमें से वेदों के साथ साथ पुराणों का उल्लेख भी भगवान के मुखारविंद से हुआ है और पुराणों वेदों के कारण ही ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में वेदों और पुराणों में अथाह योगदान के संदेह नहीं है। समस्त प्राण जो है अनादि है, नित्य है और इन कुल 18 महाप्राणों में से श्री गरुड़ महाप्राण जी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस पवित्र प्राण में मानव जीवन का कल्याण, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और मृत्यु के विषयों को लेकर के पूरा प्रकाश डाला गया है। अतः जो भी निष्ठा श्रद्धा और समर्पण भाव से श्री गरुड़ महाप्राण का श्रवण करता है उन्हें असीम शांति प्राप्त होती है। बोले श्री गरुड़ भगवान की जय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 अपने बाहर गरुड़ से सविस्तार पूर्वक बताते हैं। चल रहा था तो एक बार श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी महाराज से जो प्रश्न किया
ये प्रभु हे महात्मा आप में सुनना चाहते हैं तो व्यास पर बैठे श्री सूत जी महाराज ने शौनकार या काश्य या ऋषियों से कहा कि आपने जग कल्याण के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस तरह बैकुंठ धाम में ये विषयों को लेकर के और मृत्यु के उपरांत होने वाले कर्मों के विषय में लेकर के सविस्तार पूर्वक जे वृतांत गर्व जी को सुनाया था उसी वृतांत को मैं सार रूप से आपसे कहूंगा। तो सूत जी कहते हैं ये शौनकार ऋषियों प्राण वायु आदि के निकल जाने पर यह शरीर जिस तरह कोई वृक्ष जो है काट दिया जाता है प्राणों के निकल जाने पर निसहाय होकर के धरती पर गिर पड़ता है। कहते हैं कि जब इस शरीर में से ये प्राण वायु निकलता है तो 100 बिच्छुओं के काटने से जितना तकलीफ होती है दर्द होता है उसमें कि वह पल या क्षण उतनी वेदना और उतने कष्टकारक होते हैं। और फिर जमराज जी के दूत जो हैं उसी समय इस प्राण वायु के निकलते ही उस आत्म रूपी जो अंगुष्ठ मात्र शरीर है उसको पकड़ लेते हैं और प्राणों के निकलते समय में ही वह जो अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा है उसको तत्क्षण वो धर्मराज के दर्शन करवाते हैं और उन्हें इस धरती लोक पर वापस लेके आते हैं। जम दूतों के द्वारा काल पाश के द्वारा बंधे रहने के कारण वह जीव उस शरीर में पुनः प्रवेश करने की कोशिश करता है लेकिन पाश की रस्सी से बंधे होने के कारण वह जीव जो है उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। सबको जो है रोता बिलखता छोड़कर और वह आत्मा भी उसमें बड़ी शोकाकुल अवस्था को प्राप्त करके वहां से चलायमान हो जाती है। फिर सब धर्म परंपरा के अनुसार जो मृतक शरीर है उसका अग्नि संस्कार इत्यादि के लिए उसको तैयार किया जाता है। प्रथम जो है जहां पर मृत्यु प्राप्त होती है उस स्थान पर जो है पिंडदान किया जाता है घर के द्वार पर पिंडदान किया जाता है। जहां अग्नि संस्कार होता है वहां पर जो है दो पिंडदान किए जाते हैं। कहते हैं कि इन पिंडदान कर्म करने से जो मृतक शरीर है उसकी शुद्धि होती है और जिस मृतक शरीर से वह अंगुष्ठ मात्र जीव निकल कर गया होता है उसको जो है इन पिंडदान करने से शांति प्राप्त होती है। फिर उसके उपरांत भू संस्कार तैयार करके अग्नि संस्कार किया जाता है। तीसरे या चौथे दिन में अस्थि संचय अस्थियों को इकट्ठा करके
हरिद्वार में जा करके गंगा जी में विसर्जित किया जाता है और उसके उपरांत दस दिन के भीतर दशाकर्म दशगात्र विधि से कर्म किए जाते हैं। 10 दिन के भीतर 10 पिंडदान दिए जाते हैं। कहते हैं कि वह जीव जो है जब इस शरीर से निकलता है तो वह एक अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है, लेकिन जब 10 दिन के भीतर 10 पिंडदान दिए जाते हैं तो उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को त्याग करके वे एक हाथ के प्रमाण का शरीर जिसको जातना शरीर कहा जाता है इसको प्राप्त करता है और फिर इसी जातना रूपी शरीर को 1 वर्ष तक दूतों के साथ उस धर्मराज की नगरी तक पहुंचने में लग जाते हैं। अपने बंधु बांधवों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध द्विमासिक श्राद्ध त्रिपाक्षिक श्राद्ध को वह जीव जो है जमदूतों के साथ भक्षण करता है और इस तरह 1 वर्ष तक जो है धर्मराज की नगरी में पहुंचता है। जब दशा कर्म होता है तो उसके उपरांत 11वें दिन या 13वें दिन विधिवत क्रियाकर्म की विधि को संपन्न किया जाता है, जिससे जय जो जीव है वो अपने पितरों की श्रेणी में सम्मिलित होता है। कहते हैं कि जब तक दशा कर्म के भीतर भीतर जिसका दशा कर्म नहीं होता है उसका प्रेतत्व आजीवन भी समाप्त नहीं होता और जिसके जे क्रियाकर्म विधि विधान से संपन्न नहीं होते हैं वे भी जीव जो है अपने पितरों की श्रेणी में ना सम्मिलित होकर के प्रेत ही बना रहता है। इसलिए शास्त्र मत के अनुसार ये समस्त जो क्रियाकर्म है पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होने चाहिए। जिसके जे क्रियाकर्म शास्त्र मत के अनुसार शास्त्र विधि के साथ संपन्न होते हैं जाने जाने में कोई अगर उस जीव से अपने जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म भी हुआ होता है तो इस क्रियाकर्म के प्रभाव से उसे इन पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और क्रियाकर्म के प्रभाव से वह जीव भी जो है उस परम तत्व को प्राप्त हो सकता है। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक पुरातन इतिहास आपके समक्ष विचार करता हूं। कहते हैं कि त्रेता युग में एक भगुनवाहन नाम का राजा हुए, वो बड़े धर्मशील राजा थे और पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे, बड़ा समृद्ध उनका राज्य था। एक बार वो सेना को लेकर के किसी वन में शिकार के लिए निकले, जब वो शिकार के लिए निकले तो किसी दूर घनघोर जंगल में जाकर के उन्होंने किसी हिरण का शिकार किया। जैसे ही उन्होंने अपनी तरकश से तीर निकाल कर एक हिरण को मारा तो वह हिरण जो है उस तीर को लेकर के अदृश्य हो गया। तो वह राजा जिस हिरण को तीर लगा था, तीर लगने से उसके पीछे पीछे खून के निशानों को देखता हुआ
उसका अनुसरण करता हुआ उसके पीछे पीछे चला और कहते हैं कि उस हिरण का पीछा करते करते उस राजा की जो उसके साथ सेना थी सिपाही थे वो कहीं जंगल में खो गए। तो वो राजा भी इस परिश्रम से बहुत थक चुका था, फिर जंगल में देखता है कि एक सरोवर है, वहां पर जाकर के उसने जलपान किया, स्नान इत्यादि किया और सरोवर के पास देखता है कि एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है और उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तो कुछ देर में राजा देखता है कि एक बड़ा भयंकर ये राजा और आकर के उस राजा के पास आया और कहने लगा कि हे श्रेष्ठ राजा जो है सबका सखा सब के होने के कारण ये मेरे किसी भी काम के नहीं, क्योंकि जिसका प्रेतत्व समाप्त नहीं होता आपके दर्शन मात्र से मेरा जो है दूसरा प्रेतत्व जो है अपने इस पूर्ण प्रेत क्रिया को संबंध करने के लिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे लिए ऐसा प्रयास करें ताकि मैं इस प्रेत जोड़ी से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं और मैं उस परमपिता परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो सकूं। ध्यान हुआ, लेकिन जब प्रेत राजा के पास आकर के वार्तालाप की तो वो उस प्रेत से पूछता है कि हे प्रेत, तूने जे इतना गुस्सा है जो सहन करने के योग्य नहीं है, जे प्रेतत्व किन कर्मों के करने से प्राप्त किया? तो प्रेत कहता है कि राजन श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं किया है, लेकिन किसी प्रकार का होने के कारण किसी ने मेरा मृत्यु के उपरांत कोई भी ऐसा क्रियाकर्म जो है नहीं किया और इसके ना करने से ये मेरा प्रेतत्व खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज जंगल में इस वन में आपको देख करके और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप जो है मेरे इस प्रेतत्व योनि के समाप्त होने के लिए जो शास्त्र थे और मैं इसके उपलक्ष्य में आपको एक दिव्य मणि देता हूं। तो कहते हैं कि जिस समय वो प्रेत और राजा आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो राजा को ढूंढते ढूंढते प्रेत के बताए हुए विधि विधान से उस प्रेत के निमित्त ये समस्त क्रियाकर्म जो है संपन्न कराया। संपन्न होने से वह प्रेतत्व जो है वह प्रेत जो है उस प्रेतत्व से मुक्त होकर के अपने पितरों में सम्मिलित होकर के उस परम धाम को प्राप्त हो गया। अगर यही क्रियाक्रम श्रद्धा निष्ठा के साथ अगर अपने सगे संबंधी बंधु बांधवों के द्वारा किया जाए तो कौन ऐसा जीव जो है वो इस प्रेतत्व या पितर योनि से मुक्त ना हो सके। राम कृपा भी
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनू भरत भावी प्रबल कहे बिलकुल मन नाथ, जन्म मरण लाभ हानि जश अपजश सब विधि हाथ। ऋषि वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं कि भरत जी, ये विधि का विधान बहुत विचित्र है। जे जन्म मरण लाभ हानि जश अपजश सब भगवान के हाथ में है। और ये कर्म की गति भी बड़ी विचित्र है। इसी संदर्भ में एक पूर्व इतिहास कहते हैं कि एक बार जमराज जी ने अपने एक देवदूत को इस पृथ्वी लोक पर भेजा। अब जमराज के देवदूत आएंगे तो उसके आने का प्रयोजन भी एक विशेष होगा। तो जब देवदूत इस पृथ्वी लोक पर आता है तो देखता है कि एक स्त्री है जिसके आगे उसकी तीन बेटियां हैं और वो बड़ी छोटी छोटी है। जमराज महाराज से आदेश प्राप्त था कि आप जाकर के इस औरत के प्राणों को हरण करके ले आओ। तो कहते हैं कि जो धर्मराज का दूत इस धरती पर आया तो उसने ये सब विलक्षण बातें देखी कि उस स्त्री की तीन छोटी छोटी बेटियां हैं और उसकी बेटियां इतनी छोटी हैं कि उनका कोई लालन पालन पोषण ही नहीं कर सकता। तो मुझसे ये देखा नहीं गया और मैं खाली हाथ वापिस आ गया, मैं उसके प्राणों का हरण नहीं कर सका। तो धर्मराज जी कहते हैं कि दूत, तूने एक बहुत पाप कर्म किया है, क्या तू उस परमपिता परमात्मा से बड़ा हो गया? क्या विधि के विधान को बनाने वाले से बड़ा हो गया? ऐसा मान करके अपने मन से खाली हाथ चला आया तो जा, तुझे इस बात की जो है सजा प्राप्त होगी। तो अब वो दूत कहता है कि महाराज, अगर मैंने ये पाप कर्म किया है और इस पाप कर्म करने की जो भी सजा है, लेकिन जब तू इस पृथ्वी लोक पर जाकर के तीन बार हंसेगा तो उसमें तेरा आगमन जो है इस धर्मराज की नगरी में होगा। तो वो दूर सोचता है कि धर्मराज को पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने अगर मुझे सजा भी दी तो क्या सजा दी कि पृथ्वी पर पृथ्वी लोक पर चला जा और जब तू तीन बार हंसेगा तो तेरा पुनः इस धर्म की नगरी में आ। और उसके पास तो कोई वस्त्र भी नहीं था तो वो ठंड के मारे इस सड़क के किनारे किसी वृक्ष के नीचे छिथुर के बैठा हुआ था। कहते हैं कि उसी समय
एक मोची सर्दी के मारे ठिठुर रहा है तो उसे वो देखा ना गया और उसने जाकर के उससे पूछा कि भले मानस तू जहां सड़क के किनारे बैठा है और इतनी सर्दी से तू ठिठुर रहा है, तेरे पास क्या कोई बस्तर नहीं है? तो वो देवदूत कुछ समय के लिए तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मोची बोलता है कि कोई बात नहीं, आ तू मेरे साथ चल, मैं तुझे नए वस्त्र खरीद के देता हूं ताकि तेरी सर्दी तो दूर हो सके। कहते हैं कि उस मोची ने उसको सर्दी वाले नए वस्त्र ले दिए। तो मोची कहता है कि ठीक है, मैं अपने काम पे जा रहा हूं, तो अपनी जगह जा। तो उसकी मन में फिर एक बात आई, अरे क्या तेरे पास कोई अपना घर बार है या नहीं है? तो वो कहता है कि मैं वैसे ही देवदूत हूं, लेकिन मेरे पास तो कोई घर बार है नहीं। अब मोची ये बात समझाने कि देवदूत हो सकता है इसका नाम हो। तो वो कहता है कि बात ये है कि मैं तुझे अपने घर ले चलता हूं, लेकिन ऐसा है कि मेरी धर्म पत्नी का स्वभाव बड़ा गर्म है, वो बहुत कुछ बुरा भला कहेगी सुनाएगी, लेकिन तू बुरा मत मानियो और चुपचाप खड़े रहना। तो कहते हैं वो मोची जो किसी काम से घर से निकला था, अपना काम तो उसने किया नहीं, और उस देवदूत को अपने साथ लेकर के अपने घर आ गया। और जैसे ही वो घर में आया तो मोची की वो धर्मपत्नी वो पूछती है कि आप अपने बच्चों के लिए वस्त्र लेने के लिए गए थे, वो वस्त्र कहाँ है? आप खाली हाथ आ गए। तो वो कहता है कि मेरी प्रिय भामिनी कि मैंने उन पैसों से एक अनजान व्यक्ति है इसके लिए मैंने वस्त्र इत्यादि का प्रबंध कर दिया और मैं अपने बच्चों के लिए वस्त्र नहीं ला सका। तो कहते हैं कि उसकी धर्मपत्नी ने बड़ा बड़ा बुरा उसको मतलब कहा और वो देवदूत ये सब कौतुक देख रहा था। अभी ये वार्तालाप वो पति पत्नी में हो रही थी कि इतने में वो देवदूत अपने मन में हंस रहा था, मन में सोच रहा था, सोचते सोचते उसे हंसी आ गई और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो मोची कहता है कि अरे तू पागल है, जहां मैंने तेरी सहायता की और अपनी धर्म पत्नी से मुझे डांट डपट पड़ लिया और तू हंस रहा है। तो वो देवदूत मन में सोचता है कि देखो भगवान की कितनी विचित्र लीला है कि ये इस मोची की धर्म पत्नी इसकी सोच कितनी छोटी है, जिस तरह अपने बच्चों के वस्त्रों के बारे में सोच रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि ये मोची अपने साथ घर में किसको लेकर के आया है। वो कहता है कि मैं एक देवदूत हूं और देवदूत अगर घर में आ जाए तो उस घर की स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल जाएगी, इनको ये पता नहीं है। तो इस बात पे वो हंसता है। तो जब मोची पूछता है कि तू हंस क्यों रहा है, तो कहता है जब मैं 3 बार हंसूंगा तो तुझे सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। कहते हैं कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर उस देवदूत ने उस मोची का सारा काम सीख लिया। अब उसके वो जूतों की मशहूरी, उसकी विक्रेता इतनी बढ़ गई कि बड़ी दूर दूर तक उसके जूतों के चर्चे होने शुरू हो गए, जहां तक के राजाओं महाराजाओं को महलों में उसके जूते जाने लग पड़े। तो करते करते वो दिनों सालों में ही जो है एक बहुत अमीर सेठ
ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੋਚੀ ਕੋ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਕੇ ਜੂਤੇ ਬਣਾਉਣ ਕਾ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮਰਾਟ ਕੇ ਭੇਜਾ ਹੁਆ ਦੂਤ ਉਸ ਮੋਚੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਮੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸੇ ਸਿਰਫ ਉਣਕੇ ਹੀ ਜੂਤੇ ਬਣੇਗੇ ਤੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਜੇ ਜੂਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਹੀਂ ਇਸਕੇ ਪਤਾਵੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਔਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਉਸ ਮੋਚੀ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇਵ ਦੂਤ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਗਰ ਕੇ ਸਮਰਾਟ ਕੇ ਜੇ ਜੂਤੇ ਬਣਨੇ ਕਾ ਆਰਡਰ ਹਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਤੁਨੇ ਜੂਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਗਯਵਸ਼ ਉਹ ਦੇਵ ਦੂਤ ਹੈ ਉਹ ਜੂਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾਵੇ ਜੈਸੇ ਜੂਤੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦੀਏ ਔਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਉਸ ਮੋਚੀ ਕੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਵ ਦੂਤ ਨੇ ਜੂਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਬਲਕਿ ਉਸਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾਵੇ ਬਣਾ ਦੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਜੂਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੋ ਉਹ ਹਮੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਤੋ ਅਬ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਅਭੀ ਉਹ ਮੋਚੀ ਸੇਠ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਲਗਾ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਰਾਟ ਕਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਔਰ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇ ਸੇਠ ਜੋ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਜੂਤੇ ਬਣਾਨੇ ਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਵੋ ਅਬ ਆਪ ਜੂਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਕੇ ਪਤਾਵੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਹਤਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਤਾ ਜਿਸ ਸਮਰਾਟ ਕੇ ਜੂਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਥੇ ਉਸਕਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਦਭੁਤ ਰਿਵਾਜ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੋਤੀ ਥੀ ਤੋ ਵੋ ਉਸਕੋ ਪਤਾਵੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਕੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇ ਲੀਏ ਲੈ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਤੋ ਵੋ ਮੋਚੀ ਸੇਠ ਉਸ ਦੇਵ ਦੂਤ ਸੇ ਕਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇ ਮੈਨੇ ਤੁਝੇ ਅਨਾਯਾਸ ਹੀ ਇਤਨਾ ਡਾਂਟਾ ਡਫਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਅਭਿਪ੍ਰਾਇ ਹੈ ਸੋਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਬੀਤ ਰਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਮ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸਮਝੇ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂ ਜੀਏ ਤੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵ ਦੂਤ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਸਾ ਜਬ ਹੰਸਾ ਤੋ ਸੇਠ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਰੇ ਦੇਵ ਦੂਤ ਕਿਉਂ ਹੰਸ ਰਹਾ ਹੈ ਕਹਤਾ ਜਬ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੰਸੂੰਗਾ ਤੋ ਤੁਝੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਬਤਾਊਂਗਾ। ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੇਠਾਨੀ ਉਸ ਮੋਚੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੀਨ ਲੜਕੀਓ ਕੇ ਜੂਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮੋਚੀ ਸੇਠ ਕੋ ਦਿਆ। ਤੋ ਜਬ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਥੀ ਤੋ ਉਹ ਦੇਵ ਦੂਤ ਉਸੀ ਸਥਾਨ ਪਰ ਥਾ ਤੋ ਉਹ ਕਿਆ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਉਹ ਪੂਰਵ ਸਮੇਂ ਕਾ ਬਿਲਤਾ ਮੁਝੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਥਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤੋ ਉਨ ਬੇਟੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਮਾਂ ਥੀ ਉਹ ਦੇਵ ਦੂਤ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਕੀ ਕਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੋ ਦੇਵ ਦੂਤ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੋ ਮਾਤਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ
ऐसे तो जो मेरिया मेरी बेटियां हैं, लेकिन हुआ ऐसा था कि बहुत साल पहले किसी कारणवश इनकी माता का देहांत हो गया और इनको कोई पालने पोषने वाला नहीं था और भाग्यवश मेरे भी कोई संतान नहीं थी, तो मुझ पर इन पर बहुत दया आई और मैं इनको अपने घर ले गई। उसी समय से मैंने इनको अपनी बेटियों से बढ़कर इनका पालन पोषण किया, इनकी अच्छी पढ़ाई करवाई और आज कुछ समय के बाद इन तीनों बेटियों का मैं राज घराने के साथ इनका विवाह। तो वो देवदूत इतना सुनने पर एक बार हंसता है कि उस भगवान की बनाई हुई जो कर्म गति का विधान कितना विचित्र है कि अगर शायद उस समय मैंने इनकी माता को नहीं लेके गया या और कोई दूत आकर के इनकी माता के कानों को लेकर के चला गया और अगर जे बेटियां उसी माता के पास रहती तुझे राजसी ढंग से हुआ और आज जे किसी नगर की महारानियां बनने वाली है, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। कई बार हम अक्सर जो सोचते हैं वो वाक्य होता नहीं है और जो होना है उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। वो देव जो है धर्मराज की नगरी को चला जाता है। बोल ईश्वर भगवान की सुषमा रानी जी की आत्मा की शांति के लिए सभी मिलकर तीन बार गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਤੌਰ ਘਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
पर ऐसा भी एक सट बज गई जिड़ी कि बर्दाश्त करनी बड़ी औखी है। मैं दसना चाहना कि श्री मंगल दास जी जिड़े कि जिले के फूड सप्लाई के अफसर ने और बड़ी इमानदारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बड़े शरीफ इंसान ने। मेरे हिसाब के जो ये जॉब करते हैं मेरा घर कभी भी किसी स्टाफ को एक कभी उच्चा नहीं बोले होने। सो इन्होंने फादर साहब जिन्हें कि आर्मी के जॉब करते भी देश की राखी की खातर अतवादियों लड़ते हुए उन्होंने भी कारगर के शहीदी पाई। वैसे तो असी सारे जिन्हें बैठे हैं जो भी हैगा जाना सारे नहीं है, पर मैं एक चीज दसना चाहना जिहड़ा कोई अपने समाज वास्ते अपने देश वास्ते जिहड़ा कोई करके जाता वह हमेशा ही अमर रहिंदा। तुसीं देखो असी अक्सर कोई डैथ हो जाती है संस्कार से जाने असी आम सारे बंदे जाने चलो जी पाठी जां पुजारी साहब करते अरदास संस्कार हो जाता, पर एक जिहड़ा बंदा समाज की खातर मरदा जिहड़ा देश की खातर मरदा उन्होंने स्पैशल सलामी दिती जाती है। उहदे उपर देश का राष्ट्रीय झंडा पाया जाता है, उन्होंने गोलियां ना सलामी दी जाती है। असल जिहड़ा मरना हुंदा यह मरना हुंदा यह परिवार की एक बड़ी वड्डी इस मतलब साढ़े शहर में पंजाब में हिंदुस्तान में देना तो ये वाकई जिहड़ा घाटा पिया ये तो कभी नहीं पूरा होने वाला। पर फिर भी मैं परमात्मा अगे अरदास करता कि सच्चे पातशाह इस परिवार को जिस लैंड के गड्डी से साढ़े भाबी जी तुर गए उस गड्डी से तुरते रहे तुरते हुए ये हमेशा ही परमात्मा चढ़ती कला बख्शी। इन्हों बेटियां बैठिया बड़िया पढ़िया लिखिया हैं, मैं इन्होंने यही हाथ जोड़ के बेनती करना है कि बेटा देखो ताडे मम्मी चल गए ताडे फादर साहब बड़े बड़े अफसर आ, तुहानू हाथ जोड़ के बेनती है इमानदारी अपनी पढ़ाई करो और डैडी तो भी वड्डे अफसर बन के दिखाओ, ये असली जिहड़ी श्रद्धांजलि है परिवार को। सो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ साढ़े विच बहुत सत्कारयोग दलजीत सिंह जी भाटिया डी एफ एस सी ते मंगल सिंह जी हाजीपुर महाजन सिंह जी पठानकोट डॉक्टर रेखे जी ते होर बहुत सत्कारयोग साढ़े सरकारी वकील भी आए हैं ते होर बहुत सत्कारयोग शिक्षिता बैठिया सारे जिन्हें तुसी इस परिवार के नाल दुख सांझा करने वास्ते आए हैं। परिवार ताड़ा एक एक पैर जड़ा है वह सिर मथे आडा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े बहुत सत्कारयोग उस्ताद संगत सिंह गिल जी एम एल ए साहब उन्होंने भी आना सी पर अज शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिवस आ, वह इस करके अज उन्होंने जी ड्यूटी है जहान खेला लगी आ उ सारा जिला कट्ठा होया। मैं यही परमात्मा अगर अरदास करूँगा कि यह परिवार हमेशा दिन दुगुनी रात दुगुनी तरक्की करे, जिहड़ा इन्हों घाटा पिया आ वह परमात्मा कृपा करे इन्हों हिम्मत बख्शे कि ये तगड़े होकर लड़ाई लड़न। तो साडे मंगल दास जी जिहड़े कि बड़े भले मां शरीफ बंदे ने हमेशा ही परमात्मा उन्होंने इतनी चढ़ती कला बख्शे। ओम शांति शांति शांति। अज का दिन जिहड़ा अज की घड़ी पटवार परिवार वास्ते बहुत ही दुखदायक समा है, क्योंकि मेरे तो पहले एम सी साहब ने सारा कुछ दसिया लेकिन मन इच्छा सी कि असी भी हुशियारपुर तो काफ़ी स्टाफ आया हुआ फूड सप्लाई डिपार्टमेंट तो, क्योंकि असी पटवार साहब नंगलदासी कट्ठिया ने नौकरी की है, वो सारा स्टाफ कमियाद रिटायर भी हो चुका वो भी सारा आया हुआ, भाटिया साहब आए हुए रविंदर शर्मा जी आए हुए गरदारी नाथ जी आए हुए। तो इस तरह एक गल मैं जरूर कहनी चाहूँगा अज का जोड़ा दुख का दिन ये असी परिवार न दुख साझा कर आए होंगे हैं, लेकिन मैं भी एक गल का अफसोस है क्योंकि अगे वास्ते ही असी इस गल की सोझी करिए जो असी आए किसी दुख की घड़ी तो दुख की घड़ी के हिसाब न ही बतीत करिए। जो पंडित जी ने बहुत अच्छी गल् सुन समझिया गर्भ पुराण कथा विचों जेकर साड़िया बहुत सारिया माता भैन इन्होंने बड़ा अपना चर्चा जी जारी रखी ये बहुत माड़ी गल है, क्योंकि असं घरों भी समा टाइम कटने घरद का भी समा गवाया इतने आके भी असी वो दुख की घड़ी दुख की घड़ी की तरह नहीं असी बतीत।
ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਪਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਘੜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੈਡਮ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਘੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਜੀਂਦਾ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਉਰੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਸ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਾਰ ਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰੋਂ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਪਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ।
कोई भी भोजन किए बिना जहाँ से रुखसत ना हो।